जाग उठे ख्वाब कहीं, अब इमीडिएटली खमाज, बात कुछ बन ही गई जाने क्या। नीरे राग खमाज एंड इट्स एस्थेटिक्स। जी हाँ दोस्तों, राग खमाज के सौंदर्यता का आज हम वर्णन करेंगे। चंचल प्रकृति का राग है, मैं समय समय पर बताता हूँ। एसडी बर्मन साहब, आरडी बर्मन साहब ने सबसे ज़्यादा यूज़ किया है इस राग का, तो एसडी बर्मन साहब की ही ये रचना है। और गीता दत्त जी का जन्मदिन 23 नवंबर को आता है और उसी दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उनकी याद में। तो देखिए, गमा पाथा मागा गमनी धर पाथा मागा सानी धनी सा गमागा गमा पाथा गमा पसानी सानी धा पाथा मागा गमनी धर पाथा मागा। ये खमाज की आत्मा। तो मैं कौन से गीत की बात कर रहा हूँ, दादरा ताल में निबद्ध है और खमाज में कैसे इसको यादगार बनाया है बड़ी सुंदर एक्सप्रेशंस के साथ। जाने क्या तूने कही, जाने क्या मैंने सुनी। अब खमाज का वादी सुर है गंधार, और मजे की बात, आप मैक्सिमम गाने उठा के देखिए खमाज पर आधारित, वो गंधार से ही स्टार्ट होते हैं। कुछ तो लोग कहेंगे ओ सजना, तो जाने क्या तूने कही। देख रहे, प्रारंभिक जो स्वर है वो खमाज में गंधार मिलेगा आपको ज्यादातर। मेजोरिटी ऑफ द सॉन्ग्स विच आर बेस्ड ऑन दिस राग। जाने क्या तूने कही, जाने क्या मैंने सुनी, बात कुछ बन ही गई। सो गागा गम गागा गम पम पागा। कंठ स्वर की बड़ी इंपॉर्टेंस है, और जो मैं एक्सप्रेशंस दे रहा हूँ वो हमें सीख देते हैं जो गीता दत्त जी द्वारा हमने सीखा। जाने क्या तूने कही, अब जाने क्या मैंने सुनी, बात कुछ बन ही गई। सो माधपा माग सा समगर गसानी साग बात कुछ बन ही सामगरी गसानी सागा। तो ये सागा का जो प्रयोग गंधार की पुनरावृत्ति, गंधार पर ही न्यास खमाज का सूचक है। बात कुछ बन ही गई जाने क्या तूने कही, जाने क्या तूने कही, जाने क्या मैंने सुनी, बात कुछ बन ही गई। जाने क्या तूने कही, गा गा गम पम पा गा मा 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 गा मा गा मा रे मध पा मा ग सा समगर ग सा नी सा ग ग ग ग ग ग म प म प ग ग म नि ध प ध म ग म प म ग रे सा। इसी पे ये दुनिया वाले पूछेंगे। कल्याण जी आनंद जी की एक रचना दिमाग में आ गई बताते समय, जोड़ सकते हो आप, ये भी खमाज है। एनीवेज देखिए, अब अंतरा जो है इसमें दो रागों की छवि दिखाई है एसडी बर्मन साहब ने। एक तो खमाज अंक का ही राग है, तिलक का मोत। देखो अब सनसना हट सी हुई, आप देखो सनसना हट सी हुई थर थरा हट सी हुई। सो सा 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 पधा मा पधा
सा 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 पा था मा गा मा पा। तो सभी एक बार मेरे साथ दोहराइए, अभी के अभी रियाज कीजिए, वीडियो को पोज करके रिपीट करके। सनसनाहट सी हुई तो सा पा था मा गा मा पा था मा, ये सा पा था मा गा, ये तिलक का मौत का अंग। थर थराहट सी हुई, आप देखो धैवत कोमल जो कि एक कंट्रास्ट दिखाने के लिए। जाग उठे ख्वाब कहीं, दिस इज चारू केशी। सा ग म ध प ध म प म ग म रे सा ग म ध प। सो जाग उठे ख्वाब कहीं, अब इमीडिएटली खमाज। बात कुछ बन ही गई जाने क्या तूने कही। एक्सप्रेशंस का भी ध्यान रखेंगे, कहाँ पर कंट्रास्ट आ रहा है वो बताने के लिए आपका ये सेवक है ना। सो देखिए एक बार वो कंट्रास्ट में एक बार तालबद्ध तरीके से गाऊं तो वो सुनना। जाग उठे ख्वाब कहीं, गाइए। जाग उठे ख्वाब कहीं, बात कुछ बन ही गए जाने क्या तूने कही। जाने क्या मैंने सुनी, बात कुछ बन ही गए जाने क्या तूने कही। ये पहला अंतरा, बाकी की जो अंतरे आप एनालाइज करेंगे सेम धुन है, मतलब वही तिलक कामोद और फिर चारू केशी के धैवत द्वारा कंट्रास्ट। कैसे? नैन झुक झुके उठे, पाव रुक रुके उठे। अब वही आ गई जान नई, बात कुछ बन ही गए। तो ये ई, ये दो प्रकार से ई ई। सो बात कुछ बन ही गए गए, है ना, ये दो प्रकार है। और फिर तीसरा अंतर अगर आप देखेंगे, देखिए। जुल्फ शान पे मुड़े, एक खुशबू सी उड़े। अगेन खुल गए राज कहीं। अब शब्द भी तो ऐसे हैं, एक सीरियसनेस सी है। खुल गए राज कहीं, लेकिन फिर क्योंकि बात बन गई इसलिए खमाज की चंचलता। बात कुछ बन ही गए जाने क्या तूने कही। तो हम सैल्यूट करते हैं गीता दत्त जी को आज उनके जन्मदिन पर, और एज अ टोकन ऑफ ट्रिब्यूट एंड एज अ टोकन ऑफ गिफ्ट आप कह सकते हैं, मैं इस पूरे गाने की नोटेशन जो है, देखिए थोड़ा सा नमूना आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, अपने टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा, तो उसका बेनिफिट ले लीजिए। मैंने लिंक टेलीग्राम ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में दिया है, जिसमें मैं अपने वीडियोस की इन्फॉर्मेशन, कुछ पीडीएफ्स, ऑनलाइन क्लासेस की इन्फॉर्मेशन और कुछ नॉलेजेबल कंटेंट शेयर करता रहता हूँ। वो ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कीजिए, और ऑनलाइन क्लासेस के लिए व्हाट्सएप कीजिए। अलग अलग फ्रेश बैचेस चल रहे हैं 2024 से, बहुत ही गजब शुरुआत हम करने वाले हैं। अलग अलग टाइम जोन के अनुसार कुछ बैच आपके समक्ष आने वाले हैं, तो व्हाट्सएप करके इन्फॉर्मेशन प्राप्त कीजिए। ओम शांति।